पुलिस डिपार्टमेंट एक अलग बटालियन तैयार करके छानबीन शुरू कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस घटना से डरने की कोई बात नहीं, वो बच्चों का पता जल्द से जल्द लगा लेंगे। अभी तक कितने कुछ मुश्किलों को हमने देखे हैं, वो सब हमारे लिए बड़ी नहीं है। अब जो हम केस करने जा रहे हैं वो सच में बहुत ही खतरनाक है। सर, आजकल इंडिया से, खास करके तमिलनाडु से सर, इस नेटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा है। सर, सिर्फ तमिलनाडु पे निशाने लगाने की वजह क्या है सर? बहुत सिंपल लॉजिक है शीला, हमारे बीच एकता रहना चाहिए, लेकिन वो एकतापन नहीं है। अगर एकतापन हुआ तो समझो तमिलनाडु की पुलिस को कोई हिला नहीं सकता है। सर, अब डकैती तो छोटी बात हो गई है, अब तो ये लोग सर अलग अलग तरीके से बच्चों को अगवा भी करने लगे हैं। लेकिन शक के दायरे में आने जैसा कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहा। सर, किडनैपर का निशाना तो नए बच्चे से लेकर 10 साल की उम्र के बच्चों को अगवा करके उठा कर लेकर जाना है। सर सर आंध्रा, केरल, तमिलनाडु सर, इन्हीं सब जगहों से सबसे ज्यादा अगवाई हो रही है सर। सर लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में ही कोई ना कोई तो ब्लैकशिप है, क्यों ना हम हमारे ही टीम से एक अच्छे ऑफिसर को चुन लें। हेलो, इस स्टेशन में रुकने का जगह नहीं है, हाउसफुल है। अरे तुम दो दिन के बाद आना, समझ गए ना? बेवकूफ, इधर किसने रखा इसे? अरे साहब, मैंने इसे नहीं रखा साहब, आप लोग तो सिर्फ अपनी मनमानी करते रहते हो, वो रखा होगा, बाद में उसे देख लेंगे, सो जाओ। शान कर दिया इसने मुझे। अरे मेरे खुद के यहाँ ठहरने की जगह नहीं है, तुझे कहाँ ठहराऊँ मैं यहाँ पे? एक लात मारूंगा कन्याकुमारी के समुद्र में जाके गिरेगा, एक पल सोने नहीं देते मुझे यहाँ पे, अब कौन मनहूस हो सकता है? वो क्या है की साहब, हम लोग काम ही कर रहे हैं साहब। अरे वहाँ एक नया ऑफिसर ज्वाइन करने वाला है, उसका फोन 2 घंटे से नॉट रीचेबल है, वो जैसे ही ज्वाइन करता है सबसे पहले मुझे। ठीक है साहब, ठीक है साहब, काम हो जाएगा साहब। अरे साहब को किसने बता दिया कि हम लोग यहाँ पे सो रहे हैं? क्या हो गया साहब, ऐसे क्यों हंस रहे हो? यहाँ एक नया इंस्पेक्टर ज्वाइन हो रहा है, जैसे ही वो आए आईडी साहब को बताना है। वैसे आएगा भी तो आपके नीचे ही रहेगा, आपके ऊपर पहुंच सकता है क्या? अरे जल्दी जल्दी काम करो, चलो चलो चलो, साफ करो, साफ सफाई करो। अरे उधर लगाना,
साहब बाहर किसी जीप की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है वो आ गए हैं। चल 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 आते हैं इनको। अरे ये कौन है? पुलिस स्टेशन के सामने जीप खड़ा कर दिया और ये तो सरकार की जीप ही नहीं लग रही है, किसी सर्कस चलाने वाले की जीप लग रही है। साहब उधर देखिए, उल्टा होकर सोया हुआ है। ए, क्या रे, ये क्या कर रहा है? पुलिस स्टेशन के सामने ऐसे जीप लगाकर अपनी मनमानी कर रहा है। अरे तुमसे कुछ पूछ रहा है, सुनाई नहीं देता क्या? बोलो। साहब तुमसे कुछ पूछ रहा है, सुनाई नहीं देता क्या? पुलिस का पी उड़ा दिया क्या? अरे पी दिखाई नहीं दे रहा है क्यों? किसे ढूंढ रहे हो साहब? आपको नहीं, बोर्ड में लगे पी को बोल रहा है। अरे खींच कर दूंगा ना, हिमालय में जाकर गिरेगा। उसमें पी है या नहीं इसमें तेरा क्या जाता है? पुलिस स्टेशन में जो आया यहाँ खड़े है इंस्पेक्टर है। साहब साहब तुम लोग पुलिस में होते हुए इंस्पेक्टर को नहीं पहचानते तो अक्यूज को क्या पहचानोगे तुम लोग? इंस्पेक्टर को देख के डर नहीं लगा? माफ कर दीजिए सर, वो दाढ़ी मूछ है ना इसलिए। इंस्पेक्टर दाढ़ी मूछ नहीं रख सकता, कोई कानून है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सबरी माला के लिए माला डाला है तो शेव नहीं करने का मालूम नहीं क्या तुम्हें? माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आइए सर, आइए आइए। ये से क्यों देख रहा है? सर मेरा नाम करप भैया, 7879 सनमुगन सर, 1922 कांस्टेबल सर। सर मेरा नाम एकंबर सर, 1266 कांस्टेबल सर। मणिमुत्तु कांस्टेबल सर। ये तो बहुत खतरनाक है, लगता है बड़े घर से आया है। हाँ सर। तुम्हारा नाम मुत्तु मणि है ना? मणि मुत्तु। कितना बजे? 9:30। वार क्या? सर 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 सोमवार है सर। सोमवार को पैंट की जिप ओपन रखने का ऐसा कोई कानून है क्या? अरे बाप रे, आते ही नीचे हाथ रख दिए सर। ये कैसा स्टेशन है? वेस्ट डालने का डंपिंग ग्राउंड लगता है, चित्र ऐसा है। आओ। यस सर। कितने लोग है इस स्टेशन में? एक राइटर, 6 कांस्टेबल, एक बाहर है और मैं एसआई, टोटल 8 लोग हैं। 8 लोग रहने वाले स्टेशन में ठीक से साफ सफाई नहीं रख सकते, भैंस के तबेले की तरह रखा इसको। क्या बात है, स्टेशन में कोई पब्लिक नहीं है? कौन आएगा मालिक के होते हुए इस स्टेशन में? कौन आएगा सर? कौन है ये मालिक? अरे बाप रे, इस गांव में कोई भी अच्छा बुरा काम हो मालिक ही सब कुछ है। कोई भी मसला हो उनके देखरेख में सब कुछ होता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे सर। मालिक तो धूप हो बारिश हो वो हमें कभी छुट्टी नहीं देने वाले। यहाँ तक कि कोई खास लीडर मर गया तब भी छुट्टी नहीं देंगे। हर महीना हफ्ता पहुँचाने में कभी नहीं भूलते हम, फिर भी छुट्टी नहीं मिलती। ऐसा कहीं होता है क्या सर? हर महीने मर्डर का 5 केस, चोरी का 4 केस और पेटी के 3 केस। इसके लिए वे खुद ही अपने आदमियों को भेज कर गवर्नमेंट का हिसाब किताब सब एक कर देते हैं। इतना समझाने के बाद भी तूने ऑपोजिट में ही काम किया ना? हे, लगता है तेरा डर निकल गया। ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर लोगे? धमकाओगे, मारोगे, यही कर लोगे ना? अब बहुत हो गया, जो धंधे के लायक है उसे रखो, बाकी लोगों को ग्रुप से निकाल दो। मुझे धंधे में कोई खतरा नहीं चाहिए। नारियल के खेत में गाड़ दो, खाद बनेगा। मालिक वो पहले से ही नारियल के झाड़ सब फूल है। ओ, बारूद उसके बॉडी में डालकर पहाड़ के साथ ही से उड़ा। हाँ साहब। तुम्हारे उस मालिक को फोन लगा के बुलाओ भी। सर साहब वो तो लेकिन। ओए, फोन लगा के बुलाने बोला तो तुम इतना क्यों कांप रहे हो? साहब कोई भी अधिकारी हो, नया ज्वाइन हुआ हो, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करता, सब डरते हैं उससे। अब वारंट नहीं है तो कैसे बुलाएं उसे, आप ही बताइए। मणि। हाँ। ओ, वारंट नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, ऐसा बोल रहे हो क्या? मणि तुम क्या बोलना चाहते हो? छतरी खोलने के लिए बारिश का होना जरूरी है, मैयत उठाने लाश का होना जरूरी है,
ऐसा क्या? मैंने बोला था ना, मालिक बागीचे में बारूद फूल रहे हैं। मालिक, क्वेरी और बॉम्ब। तुम कुछ चिंता मत करो गायत्री, मेरी फ्रेंड पुलिस स्टेशन में ही काम करती है, मेरे लिए कुछ भी करेगी, मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी हूँ। रुक, मैं फोन करके बात करती हूँ। हेलो, मेरे साथ वर्क करने वाले टीचर को एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? क्लास में एक बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, तो इसी से नाराज होके टीचर ने गाल पे मार दिया, तो ये बात पे पेरेंट्स नाराज हो गए और तुम्हारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लेकर इसी वक्त आ रहे हैं। ठीक है, तुम स्टेशन में जाके बात कर लो। ठीक है, मैं इनको लेकर पुलिस स्टेशन आती हूँ। ओके बाय। इस गांव में वसूली लायक कुछ नहीं है। हाँ सर, क्या बोलूं मैं अब। क्या यार, पुलिस वाले गुजारा कैसे करेंगे? क्या यार मनी, कुछ तो होगा, कुछ तो जरूर होगा। सर, जो स्कूल हेडमास्टर ने जो कंप्लेंट दिया था, उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो जाएगा, बस ऐसा सोचकर मैं डर रहा हूँ सर। सर वो जो गाड़ी आ रही है ना, वो मालिक की है। ओ, तुम्हारे मालिक की है क्या? क्या बात है सर, पता है गाड़ी किसकी है? मालिक की है सर। मालिक की है, जानता हूँ। एक घंटे के बाद जाना। क्यों? बताता हूँ, कभी भी बड़े लोगों के साथ रहेगा ना तो फायदे में रहेगा, समझा क्या? ऐसा है क्या? ऐसा ही है। अरे लॉरी को चलाओ। ठीक है सर। फॉलो कर यार, और बेटा तू मेरे को फॉलो कर। ये कौन से रूट में जा रहा है? आखिर में मुझे फंसा ही दिया इसने। अरे हाँ साहब। बोलिए। अरे साहब, ये क्या है साहब? तूने बोला था ना, छतरी खोलने के लिए बारिश होना जरूरी है, और मैयत उठने के लिए लाश का होना। अब सुनते जा, कंप्लेंट वारंट रेडी है, अब मालिक को बुला। कंप्लेंट वारंट, इसके बगैर कैसे बुलाऊंगा मालिक को? तू मुंह फाड़ के बोल रहा था ना, फोन लगा के मालिक को बोल उसकी लॉरी में बारूद मिला है भर के पूरा। फोन उठा के बोल, फोन करके बता कंप्लेंट में कि किया है लॉरी को चेस, ऑन द स्पॉट लॉरी ड्राइवर अंडर अरेस्ट हुआ है, समझा? अभी इधर मांगता है वो मालिक, नहीं है तो उसको छठी का दूध याद दिलाऊंगा, बोल के मैंने बोला है, समझा? 7715096। मालिक मैं तू बोल रहा हूँ, जो अभी अभी नया इंस्पेक्टर आया है ना, वो आपको परेशान करने वाला है, आपकी लॉरी और ड्राइवर को पकड़ कर रख लिया है और केस दर्ज कर बोल रहा है। कोई नया इंस्पेक्टर आया, हमारे खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है मालिक, मैं उसको संभालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, आप सीधे पुलिस स्टेशन आ जाइए मालिक, गलत मत समझिएगा मालिक। वो कोई बड़ा लाट साहब है क्या? क्या बोल रहे हैं मालिक? तू भी ना, मैं आता हूँ। ठीक है मालिक। अरे मालिक, आप यहाँ आए? आपने क्यों कष्ट किया आने का? बैठो बैठो। थैंक यू मालिक। आपने कहा होता, एक बार कहा होता तो मैं खुद आपके पास आ गया होता। मुझे किस लिए बुलाया? कुछ नहीं मालिक, हमें इंक्वायरी में पता चला कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो पत्थर लगने से बहुत से बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हुए है ना। उसके लिए आप जल्दबाजी मत कीजिए और परेशान भी मत होइए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अरे मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। अब मैं स्ट्रेट मुद्दे पे आता हूँ। उससे तुम क्या चाहते हो? मेरे अपने गांव में मैंने एक एकड़ की जमीन हड़प के रखा हुआ है, उसे रजिस्ट्रेशन करने, ज्यादा नहीं, बस खाली मुझे 50 लाख चाहिए। अरे क्या हो गया, आपके लिए तो एकदम मामूली बात है ये, एकदम मामूली रकम। वैसे तो एक घंटे में दे देना चाहिए आपको, लेकिन आप डरिए नहीं, मैं पूरा एक दिन देता हूँ आपको, लेकिन उसके बाद 2 मिनट भी नहीं मिलेगा। शार्प 11 बजे, एग्जैक्टली 11 o'clock।
बच्चों को पैसा मिल जाना चाहिए, उनके हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, जो बच्चे विक्टिम है उन्हें देना होगा। ये तो मालिक को फंसा रहा है, ये तो हमारे हफ्ते की वाट लगा देगा। हा? मेरे वजह से कोई बाधा या तकलीफ नहीं होगी, लेकिन एक बात समझ लो, उस स्कूल के बाजू वाली साइट पे ब्लास्ट तुम्हें कुछ दिनों के लिए बंद करने होंगे। क्या ब्लैकमेल है क्या? आपको नुकसान हुआ तो उसको ब्लैकमेल बोलते हैं क्या? ठीक है, 11 बजे मैं आ जाता हूँ। उसके बाद? उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। अरे इनको ही स्टेशन में बुला लिया क्या सर ने? सर, दिल्ली ARC 1012 कांस्टेबल, am I correct? यस सर। स्कूल में पढ़ने वाली मेरी बच्ची को मारा और अभी वो हॉस्पिटल में है सर। तुम एक पुलिस कांस्टेबल हो, ये एक स्कूल की स्टूडेंट हो। पर सर, इधर देखो, तुम्हारी मर्जी से छुट्टी लेना, तुम्हारी मर्जी से लेट आना, ये कोई सॉफ्टवेयर कंपनी या कोई कॉल सेंटर नहीं है। Did you understand? सर पर्सनली क्या है बोलो तो। मैडम, ऑफिशियल ड्यूटी में ऑन ड्यूटी होते हुए अनऑफिशियल काम के लिए तुमको किसने अलाउ किया? सर, कोई भी एक बच्चा प्रॉब्लम में हुआ तो दौड़कर जाकर मदद करने वाला एक पुलिस ही है ना, वही उसका एक बच्चा कोई परेशान हो तो नहीं जाना चाहिए क्या? या जाए भी ना रह सकते हैं? लुक, नो मोर एक्सप्लेनेशंस, गो। साहब, स्कूल में जिस लड़की को मारा गया था वो आज हॉस्पिटल में है, आपको पता है वो कांस्टेबल थिलाई की बेटी है साहब। अच्छा, सपोर्ट किया। हाँ। तो मुझे भूख लगी है, अब मैं जाके खाना खा के आता हूँ। ठीक है साहब, अब खाना खाइए और देखिए मैं क्या करता हूँ। हेलो मालिक, मैं मणि बोल रहा हूँ। बोलो मणि मित्ते। इंस्पेक्टर अभी अभी खाने के लिए नीचे गया है, आपका नमक खाया हूँ मालिक। चुप रहो। क्या आप तैयार नहीं है? अच्छा मौका है, छोड़िएगा नहीं उसे। हाँ, बराबर सबक सिखाइएगा उसको। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मालिक, वो इंस्पेक्टर निशे खाने के लिए आ रहे हैं। किसको? मैं देख लेता हूँ। अबे बेवकूफ, देख लेगा, देख लेने की बात को बोलकर उसको छोड़ दिया। मालिक, मेरे जाने का रास्ता भी पता नहीं चलेगा और उसका मिट जाने का निशान भी नहीं रहेगा। मैं देख लेता हूँ मालिक। जाओ जाओ, कुछ भी करो। मणि, खाना खाएंगे, आ जा गाड़ी में। मुझे थोड़ा काम है। काम बाद में, चला जा। अरे बाप रे, मैं क्या करूं, मैंने तो अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। वो खिलाता हूँ आज मैं महाराजा टेस्ट। आ जा। ये किसी को मारने जा रहा है क्या? कब किसकी मौत होगी कोई नहीं जानता। लॉरी आ रही है, ये मारी नहीं लगता है। महाराजा टेस्ट। मालिक, वो इंस्पेक्टर आ रहा है। क्या रे, मरने वाला सामने जिंदा कैसे आके खड़ा हो गया, सोच रहे हो क्या? अभी नहीं, कभी भी तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, ये बोलने आए। 5.5 फीट की हाइट देखकर मुझे शांत समझने की गलती मत करना, समझा गया? मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है, जिसे भी निशाने पे लिया समझो गया। देखता क्या है, गुंडा भेज के मुझे मारने की तू सोच रहा था ना? मुझे कोई मारे ऐसा कोई जमाने में पैदा नहीं हुआ, समझा क्या? तजुर्बे में तू ज्यादा है, पर तू तेरा सारा तजुर्बा लगा ले पर मेरा कुछ भी तू उखाड़ नहीं पाएगा, समझा? दोबारा वार करने से पहले 100 बार सोच लेना। क्या है मालिक, देखा कितना बोलकर चला गया, वो भी हमारे इलाके में। तुम्हारा नौकर ठीक से काम नहीं कर रहा, ये बोल कर गया है वो। नहीं समझा। तुझे बोल रहा हूं, समझ लो। साहब आ रहे हैं। साहब आ गए। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या पुलिस स्टेशन में बुलाया ये सोच के तुम लोग डर रहे हो क्या?
आमतौर पे पुलिस गुनेगार और मुजरिम लोग को ही पुलिस स्टेशन में बुलाती है। पुलिस पब्लिक की गुड फ्रेंड, बेस्ट गाइड भी हो सकती है, समझे क्या? स्ट्रेट मुद्दे पे आते हैं, जो हम चाहते हैं वो ना मिलने पर बच्चे के ऊपर दबाव डालना गलत है। इधर आ बेटा, ये बच्चे हैं, इनके मुताबिक ही चलने का। खाना, खेल, एजुकेशन, ये सब किसके लिए, किसके लिए संस्थाएं चलती हैं? बच्चों के लिए ना। उसको छोड़ के कंडीशंस सिस्टमेटिकली, 5 बजे उठो, 6 बजे ट्यूशन, 7 बजे को ब्रेकफास्ट, 8 बजे को स्कूल, ऊपर से जो बक्से में देने वाला लंच है जबरदस्ती खिलाना, हाँ नहीं खाया तो मारने का, धमकाने का, फिर से शाम को 6 बजे मैथ्स का ट्यूशन, हाँ 7 बजे कंप्यूटर क्लासेस और हिंदी क्लासेस, 9 बजे का होमवर्क भी। ये क्या है, क्या ये सब बच्चा है या मशीन है? स्कूल के बच्चे अनजाने में अगर कोई गलती हो गई तो, या फिर होमवर्क नहीं किया तो, पनिशमेंट देने की सोच को छोड़ दो। मैडम, ये किसने अधिकार तुम लोगों को दिया? बच्चों को पाठ सिखाने वाली टीचर सिर्फ गुरु ही नहीं होता, माँ बाप, भगवान, सब कुछ है, तुम लोग ही हो। बच्चों को पीठ झुकाकर मारना और गाल पे जोर जोर से मारना कितना बड़ा जुर्म है ये पता है? क्लास के अंदर आने से पहले अपना नफरत, गुस्सा, जो कुछ कष्ट है सब छोड़ के आओ बाहर। क्लास के अंदर आने से पहले ये सब बाहर छोड़ो। कहीं का गुस्सा तुम लोग बच्चों के ऊपर उतारो, ये क्या सब ठीक है क्या? तुम लोग जानते हो बच्चों के सबसे गुड फ्रेंड्स कौन होते हैं? पहले उनके टीचर्स होते हैं। ये पुलिस और मुजरिम का रिश्ता नहीं, गुरु और शिष्य का रिश्ता, फ्रेंड और एडवाइजर का होता है। ओके, इस दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म है बच्चों के ऊपर अत्याचार करना, गुंडागर्दी और डकैती से भी बड़ा जुर्म है ये। स्कूल में नहीं पढ़ा तो टीचर डांटते हैं, घर में नहीं पढ़ाई की तो पेरेंट्स डांटते हैं। अंकल, हमारे पास कितने नोट्स और किताबें हैं ये पता है क्या? सॉरी सर, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। ठीक है, जाओ बच्चों, अच्छे से खेलना, अच्छे से पढ़ना, डैडी मम्मी जो भी कहे सब कुछ मानना। ओके, ये लो पकड़ो चॉकलेट, आप लोग जाइए। थैंक यू सर। ओके। हे मणि, उसने जो डिमांड किया है उसे 50 लाख रुपया कैश और 5 लाख रुपया हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इतनी आसानी से वो हमसे पैसे लेकर नहीं जा सकता है। उसकी कहानी को खत्म करके जिस रास्ते हमने पैसा दिया था उसी रास्ते से वापस आना चाहिए। अरे रे रे रे, बड़े आदमी बोले तो ऐसे होने चाहिए। क्या टाइमिंग है, क्या पंक्चुअलिटी है। अभी तक तो मैंने ही डिमांड किया है। जो मैं सोचता हूँ वो मैं नहीं करता, सिर्फ जो करना होता है वही मैं सोचता हूँ। एक बड़े काम को करने के लिए एक छोटा सा कमीशन मांगा है। ए, इसके बाद मेरे रास्ते के बीच में आया तो अभी तो, अभी क्या, कभी भी नहीं आऊंगा। सिर्फ याद रखना, वो स्कूल की जो इंक्वायरी चल रही है वो रोक दिया, थोड़े दिन के लिए रोक कर रखने के लिए फैसला लिया है। जो रकम मांगा था उसे दे दिया, उस बच्ची को जो मिलने वाला रकम था वो 5 लाख रुपया मैंने दे दिया है। तो ये मत समझना कि मैंने डर के दिया है। जब मैं 5 साल का था तभी से मैं खतरों से खेल रहा हूँ। जो मुझसे मिलता है वो ऊंचाई की तरफ जाता है, जो मुझसे ओवर गया है वो मेरे खेत में खाद बन गया है। पैसे दिए ये सोच कर कंधे पे हाथ डालने की सोच रहे हो क्या? 2 बूंद इंक और 10 पन्ने की कंप्लेंट काफी है तुम्हारे ऊपर एक्शन लेने के लिए। क्या धमका रहे हो? ये तो अपना कैरेक्टर है भाई। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, इसके बाद मेरे रास्ते में आया तो नोश डालूंगा। ए, जरा समझदारी से काम लोगे तो आगे तुम बहुत बढ़ोगे। तेरे जैसे लोगों को मैं अपनी तरफ बुलाकर मिलता हूँ, सामने से मिलने की आदत नहीं है, ये पहली बार है। कानून की इज्जत करने वाले को मैं भी इज्जत करना जानता हूँ, और कानून की जो बेइज्जती करता है उसका मैं सारे आम चीर हरण कर देता हूँ। अरे नहीं, तुम मुझे गलत समझ गए हो। आओगे, जरूर आओगे। समझता तो मैं सब कुछ हूँ। हाथ मिलाकर भलाई करने के लिए सोच रहा था। भलाई करना अपनी पुरानी आदत है, भलाई अपन करते रहते हैं। हाँ साहब। मेरे ही पीठ में तूने खंजर मारा, फिर भी तुझे बचाया ना मैंने। ये ले पकड़, बोली अपनी कड़वी है पर दिल अपना समंदर है। ये ले ऐश कर इससे,
बाकी सब में बांट डाल तू। पकड़ मणि, रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होगा, कम से कम 5-10 दिन का, उतना तो टाइम लग ही जाएगा मुझे। ऐसा ही क्या, ये हुई ना बात। खुश है हा? हफ्ता कम रहेगा, चला लेना, टाइटिंग कर थोड़ा, 2 नंबर की कमाई का। चल चलता हूँ। मैं तो ढोल हो गया हूँ, कोई इधर से मारता है कोई उधर से मारता है, दोनों मिलाकर मेरी मार रहे हैं, लेकिन पैसा मिला तो काफी है। चलो आओ, सब सबको पैसा बांट रहा हूँ, लो लो तुम मिलो, तुम मिलो। अरे ये हराम खोर मारे, गांव जाने से पहले इसकी तुड़ाई करके ही जाना पड़ेगा। अब मैदान में उतरना ही पड़ेगा। कल अपने मालिक के पास जा। अरे बाप रे, एक बड़ा तूफान आके गया ऐसा लग रहा है। भगवान, थोड़ी थोड़ी शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ये बेल फिर से बज गया। यस, आई एम मणिमुत्तु स्पीकिंग। हेलो, आईजी ऑफिस से बात कर रहे हैं? आईजी ऑफिस से? हाँ बोलिए सर। इंस्पेक्टर ज्वाइन करने वाला था, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी डिस्चार्ज हो गया आ रहा है। तो ही मुझे फोन करने के लिए बोला।
आ रही है ना मेरी बात? हाँ सर। क्या हो गया सर, इतना परेशान क्यों हो गए? कोई नया इंस्पेक्टर आया था, उसका एक्सीडेंट हो गया है और बोल रहा है हॉस्पिटल जाकर सीधे इधर आना है। ये क्या बोल रहे हो साहब, अब तक जो साहब थे वो कौन थे? क्या करे, मजा आ गया। ओहो, दारू पी के लुढ़क के पड़ा हुआ है इधर। अरे ये तो एक्सीडेंट जैसा नहीं लग रहा है, किसी ने मार के फेंका हुआ ऐसे लगता है। इंस्पेक्टर सुरेश पुलिस है क्या? तो फिर शिकार करने निकल जाते हैं। क्या खुशबू है। साहब चलिए चलकर पहले मालिक को बोल देते हैं, जल्दी चलिए। ठीक है ठीक है। एक को मार कर पैसा लेना नहीं होता है, धंधा चौपट हो गया है। मालिक मणिमत्तु आ गया। मालिक, 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 हमारे पैसे को चुरा कर ले गया। मालिक, हाँ, मालिक ले गया। मालिक, मालिक कोई नया इंस्पेक्टर यहाँ ज्वाइन करने आ रहा था। मालिक, हाँ मालिक। ऐसा है तो ये फिर ये कौन है हमें नहीं पता है मालिक। एक कैच कर दूंगा ना, काली को फोन लगा। काली, मालिक तुझसे बात करना चाहते हैं। काली लाइन पर है। हाँ बोलिए मालिक। कोई तो एक नया इंस्पेक्टर आया है, उसने हमें धोखा दे दिया है। क्या बोलते हो मालिक? उसे ढूंढ कर निकालो, वो कहीं भी हो। अपने आदमियों को लेकर जाता हूँ और उसकी लाश को लेकर आता हूँ। काली, मैं उसे साधारण समझकर धोखा खा लिया, वो बहुत शातिर और चालाक है। हेलो दावा जी। अरे मामो, हाईवे रेस्टोरेंट में मैं वेट कर रहा हूँ, तुम किधर हो? जिस काम से गए थे वो काम पूरा हो गया ना? हेलो सुपर चोपर मामू, जल्दी आ जाओ। मालिक वो लोग आपको फोन करने के लिए बोले। मैं बोलता हूँ। हाँ मालिक। क्या मैं बोलू, पैसा तो चला गया है, कल अगर कुछ परेशानी होगी तो क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा ना। आपका भी कहना ठीक है मालिक। ये क्या, बड़े खुश नजर आ रहे हो। वैसे ढाबा की दुकान में नहीं जाना है क्या? तुमसे मिल गया एकदम दिल भाग हो गया। अरे ये आराम से करने वाला काम नहीं है दावा जी, फंक्शन की याद आती है ना तो ये दिल झूमने लगता है। जाते मामा जाते, आज तो फूल फल सब एकदम। दामा जी तुम्हारी स्पीड को देखकर लगता है कि कुछ बचने वाला नहीं है, तुमने तो लूट लिया ना सब। अब ये जो माला है ना इसे उतार दो, हम नाचेंगे एंजॉय करेंगे। क्या बात है दामा जी, औरत को देखते ही गाड़ी रोक ली? अरे ठहरो मामू, देखते हैं जरा। अरे गाड़ी चलाओ ना। अरे बेचारी तकलीफ में है। अरे पीछे ले रहा है ये। अरे अरे आगे लेनी है। अरे अरे सुन रहे हो तुम? औरत देख नहीं कि रिवर्स गियर डाल दिया। क्या प्रॉब्लम है सर? हाँ लगता है गाड़ी हीट हो गई है। अगर आप गलत नहीं समझे तो मैं देख सकता हूँ कि तकलीफ क्या है इसके अंदर। 2-3 घंटे से गाड़ी को कंटिन्यू चलाकर आए थे, अचानक से रुक गई है, क्या है पता नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही। ऐसा है क्या, तो मैं देखता हूँ जरा। हाँ दामा जी एक छोटा सा डाउट आया। पूछो क्या? क्या तुझे गाड़ी ठीक करनी आती है क्या? मैकेनिक है तू, डोर खोलते ही तू अंदर घुस जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा, और फिर क्या गाड़ी ठीक हो जाएगी? अब चुप हो जाओ। दामा जी कार को देखेगा तो दिखेगा, लेकिन कार के अंदर देखने से क्या होगा? चल जल्दी से काम खत्म कर और चल यहाँ से। मदद करना, कोई गलत तो नहीं है ना? दामा जी जरा इधर देखो, ये जो काम है ना ये एक मैकेनिक का ही काम है, समझे? तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तू मदद के लिए नहीं किसी को परेशान करने के लिए उतरा है। मामू अपना दिल बहुत बड़ा है और अच्छी शक्ल वाले की तो अपन ऐसे ही मदद करते हैं। अरे दामा जी, दामा जी कार को देखते ही हिसाब में जोड़ दिया। मैडम कार रेडी है। ये लीजिए। किस लिए मैडम? कार को रिपेयर किया ना इसके लिए। मदद करके पैसा लेने की आदत नहीं अपने को। वैसे आप काम क्या करते हैं भाई? इस अनाथ को जो काम मिलेगा करेगा। मेरी विजिटिंग कार्ड को दे दो। इस एड्रेस पर तुम दोनों कल सुबह 10 बजे आ जाना, दोनों को काम देने के लिए बोलती हूँ। ठीक है मैम।
रामा जी ये देखो, कहीं गांजा की तस्करी, कहीं चरस की तस्करी, नहीं तो कोई बच्चे को किडनैपिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस देश में। देखो हाँ पढ़ो, देखो तुम पढ़ो इसको। शहर में आजकल बच्चों को अगवा करने का काम काफी बढ़ गया है। जिन घरों में बच्चे हैं पहले से ही निशाना पे। दामाजी, अरे उधर देखो, मैना दौड़ दौड़ के आ रही है, ताजी मैना। अरे क्या मस्त लग रही है, अरे देखो तो सही। अरे नारियल पानी भी पीका इसके सामने तो। अरे देखो तो सही। अरे एक छोटा लड़का गलत करके आ रहा है, उसे पकड़ने की सोचने के बजाय तुम नारियल पानी पी रहे हो, छोड़ो इसको। अरे नारियल पानी मेरा। अरे माँ, अरे मर गया। अरे ये तुमने क्या किया है, मेरा नारियल पानी गिरा दिया तुमने। बुजुर्गों की तुम्हारी हरकत है क्या? मैंने क्या बोला कि मैं बड़ा आदमी हूँ? चोर नहीं है क्या? किसे चोर बोल रहा है? तो फिर 25 रुपए का नारियल पानी वेस्ट हो गया क्या? 25 रुपए के नारियल की पड़ी है, इसको खुद को बहुत ज्यादा समझ रहा है। चलो दोनों पुलिस स्टेशन चलो। अरे मैडम, इस तिल से मामले को पहाड़ जैसा क्यों खड़ा कर रही हो तुम? कौन सा तिल सा मामला? ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर केस है। अरे बाप रे दमाजी। वैसे अरे चुप कर, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बताती हूँ, 2834 SI जानू बोलते हैं मुझे, इस एरिया में सब जानते हैं मुझे। अरे दामाजी, 28 और 34 का मतलब क्या है दामाजी? ये बॉडी फिटनेस है मामू, ऐसा रहने से पुलिस में भर्ती होती है मामू। पर मेरे को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मामू। ए, क्या फुसफुसा रहा है तू? अरे चलो चलते हैं ना। ए रुक रे, इसका चेहरा तो देख, शक्ल से तो पूरा चोर चक्के जैसा दिखता है, मुझे तो इस पर भी शक। चलो मैं बोल रही हूँ, उठना चल उठ। अरे ये क्या? जा देख लेंगे मामू। आग लगा गई, दिल को छू गई। दामाजी, उस यूनिफॉर्म में कुछ ज्यादा घमंड से बात नहीं कर रही थी वो? फटे हुए 10 रुपए की नोट की तरह दिखती है और कितनी आवाज करती है, जैसे कोई हूर की परी हो। मामू, तरक्की करने वाली लड़की के बारे में ऐसा मत बोलो मामू, घमंडी लड़कियां ये अक्सर बहुत सुंदर होती है। क्या हो गया तुझे? आज तो कोई अमावस्या भी नहीं है और इतने में ही तेरा दिमाग फिर गया। मामू तुम्हारी उम्र चले गई, अब समझ में नहीं आएगा तुमको। मुझे समझ में नहीं आएगा? बोल बेटा बोल, अब जरा ध्यान से सुन। ब्रह्म मुहूर्त में 3-3 जलेबी पूरी की पूरी खाई है मैंने, समझे? नीचे का दिख रहा है तुम? हाँ मैं और हीरो। दीदी आइए बैठिए ना। खड़े क्यों हो? मैंने बोला था ना बैठने के लिए। चलेगा दीदी। ये इज्जत डील और करने वाले काम में रहेगी तो अच्छा रहेगा, बैठिए। दामाद जी। अरे बैठिए। मैडम मैं बैठू क्या? आप जो काम करते हो उसमें व्यस्त रहने के लिए इतना काफी है। तुम मेरी कार के ड्राइवर बन जाओ और तुम्हारे मामा गार्डन को मेंटेन करेंगे। ठीक है दीदी। ठहरने के लिए आउट हाउस है, वहीं पर ठहर जाइए। मेरे हिसाब से पंचुअलिटी और परफेक्शन बहुत अहम है। जरूर, हम वैसे ही चलेंगे, क्या बोलते हो दामाद जी? हाँ दीदी। मल्ली से मैं बोल देती हूँ, आप आउट हाउस में जाकर रेडी हो जाइए। ठीक है दीदी। ठीक है ना? दामाजी, मल्ली है वो, नाम बहुत ही बढ़िया है, शायद दिखने में भी बहुत अच्छी होगी। क्यों मामू, थोड़ा भी अकल है क्या? यहाँ काम करने को आया है, वहीं पे अपना काम दिखाऊं क्या? दामाजी, तुम ऐसे बोल रहे हो क्या? हाँ, माँ ने बोला था वो ड्राइवर कब आएगा, मेरा काम कब होगा। हाँ, लगता है वो लोग आ गए। ये मल्ली है क्या? अच्छी दिख रही है यार। आइए आइए, मालकिन ने फोन किया था। हाँ। आउट हाउस में आप लोग आएंगे, क्या आप लोग हैं वो? हम लोग ही हैं। आइए आइए बैठिए। बैठिए ना। अरे बाप रे। दामाजी, शांत रहने से भी मन को छू लेती है। तुम किसे बोल रहे हो मामू? अरे मैं इस घर को देख के बोल रहा हूँ। दीदी की बेटी की तबीयत को क्या हुआ?
अब मैं आपको क्या बताऊं? दीदी इलाज के लिए पैसा पानी की तरह बहा रही है। ऐसा नहीं कि इलाज नहीं हो रहा है, मालकिन का बच्चे पे बहुत प्यार है। अच्छा, वैसे वो मालकिन क्या काम करती है? वो क्या है, मुझे उनके काम के बारे में कुछ पता नहीं है। मेरे दिमाग में तो उनकी बातें भी नहीं घुसती, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं। पैसा, धन दौलत? अरे धन दौलत की भी कोई कमी नहीं है। दामाद जी, दीदी के सारे बिजनेस को संभाल क्या बोले? औरत है इसलिए ऐसा मत सोचो, 20 मर्दों के बराबर है वो। वैसे तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे काम करने की जगह पे काम करने वाले के बारे में पूछना ही ठीक रहेगा ना। आप कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 4 साल से काम कर रही हूँ। ये घर ही मेरा सब कुछ है, इसलिए मैं यहीं पर रहती हूँ। बहुत अच्छे से बात करती हो, काफी जानकारी है तुम्हारे पास। और क्या, अगल बगल के होने वाली खबरों की जानकारी रखना अच्छा होता है। हाँ। अरे बाप रे, तमिल फिल्म की हीरोइन जैसी दिखती है, बात भी अच्छी करती है ये तो। जो भी मुझे देखता है मेरे बारे में ऐसे ही बोलता है। इतनी सुंदर कन्या कौन पसंद नहीं करता? मैं सुंदर हूँ क्या? अरे यहाँ पूछने वाला कोई और नहीं है क्या? कभी लॉटरी लगी ना तो सिनेमा बना के तुमको ही मैं लूंगा अपनी हीरोइन। थैंक्स। देखो इस बेचारी के लिए इंग्लिश भी जरूरी है क्या? आप ना मुझे बहुत अच्छे लगे हो, आपकी बातें भी मुझे बहुत मीठी मीठी लग रही है। कहानी खत्म, तुम सुधरोगे नहीं। कहाँ रखूं? अंदर जाके रखो। ठीक है। टाइम हो गया है, माँ जी डांटेंगी, मुझे खाना भी बनाना है। आप लोग भी आ जाओ खाने पर। ए, इसका रूप और बदन बहुत तंदुरुस्त है। ए, मामा, यहाँ जिस काम के लिए आए उस पे ध्यान दो, बाकी कामों पे ध्यान मत दो, समझे? मामा जी, तुम बस पैसे लूटने के बारे में सोचो। क्या बात, मामा जी का कॉल आ रहा है, बात कर लो। नमस्ते मामा जी। हाँ। कैसे हैं मामा जी आप, अच्छे तो हैं ना? किधर से अच्छा हूँ। क्या हुआ मामा, क्या बात है? अरे एक लड़का पुलिस बनकर मेरे पास आया, मुझे ढक कर पैसे ले गया। जो मेरे पास पैसा था उसे दिया, पर वो धोखा देकर चला गया। ऐसा है क्या? वो यहाँ से फरार हो गया, वो तुम्हारे एरिया के लिमिट में ही है। मैं तुम्हें उसका फोटो व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। मामा आपकी बातों से तो ये लगता है ये लड़का कोई बड़ा खिलाड़ी है। अरे तुम उसे कहीं भी देखोगे मुझे इन्फॉर्म करोगे, मैं आ जाऊंगा। अरे उससे मैं इतना मारूंगी ना तो अपने घर का रास्ता भूल जाएगा। ओके मामा, बाय। इधर के माल को पूरा संभालना और अकाउंट को पूरा संभाल लो। जी, जो ऊपर है उस माल को निकाल के उसके बाद भेज देना तुम, ठीक है? जी। गुड मॉर्निंग मैन। गुड मॉर्निंग मैडम। सर उस वाले माल का क्या हुआ फिर? ठीक है, आगे से मैं स्ट्राइक डील कर लेता हूँ। ओके गुरु, कभी भी किसी में भी 1000 बार सोच समझ कर उसमें उतरना कोई गलत नहीं है। समझे ना तुम? लेकिन भरोसा करने में कोई गलत बात तो नहीं है ना? धोखा खा के पीछे हट के शांत नहीं रहना चाहिए। मैंने कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया उसके ऊपर। अरे भरोसा करना कोई गलत नहीं है, दिल में भरोसा होना चाहिए लेकिन आंखों से शक नहीं करना चाहिए। तभी काम को देते और लेते वक्त हमें उस काम में बिल्कुल डर नहीं लगेगा। हम गुस्से से बात करेंगे तभी वो हमसे डरेगा मैडम, नहीं तो वो हमें ऐरा गैरा समझ कर सुना के चला जाएगा। मैंने कई बार तुम्हें बोल के रखा है पांडी, धमकाने की बजाय प्यार से बात करो, जिससे काम आसानी से हो जाएगा। थैंक यू मैम। तो फिर गलत करने के लिए डरेंगे, खत्म करने का अगर फैसला ले लिया तो सोचने का ही नहीं। ए, ए, रुक रे, किधर चला गया, किधर गया? अरे थोड़ा उसको अब पकड़। ए भाग मत, रुक, ए पकड़, रुक, रुक, कहाँ जा रहा है? ए रुको, भाग मत, मैं छोड़ी हूँ तुम्हें, तो भाग रुक, रुक, भाग मत, रुक, रुक, जा रहे। ए ए कम 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 ए ए ए कम। मैं इतने जोर से जब से चिल्ला रही हूँ तुझे सुनाई नहीं देता क्या? सुनाई दिया। खंबे के जैसे खड़ा है, उसको जाके पकड़ नहीं सकता क्या? मैं क्यों पकड़ूंगा, मैं नहीं जानता हूँ क्या आप क्यों उसे भगा रहे हो? हाँ क्यों, पिछली बार जब उस लड़के को पकड़ा था तो क्या बोला तुमने, उसको क्यों गिराया? मैं क्या पागल हूँ क्या कि फिर उसको गिरा था और तुम मेरे को फिर से सुनाती थी? हाँ, और वैसे भी शक्ल से तुम्हारे करीब का रिश्तेदार लग रहा था ये पूरा। ये तुम्हारे फैमिली के मैटर में मैं पागल हूँ जो बीच में पड़ूंगा?
अरे वो सच में चोर था यार। अच्छा तो फिर जो अभी अभी यहाँ से भाग गया है वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है? अरे बेवकूफ कहीं का, वो तुझे शक्ल से कहीं से भी मेरा रिश्तेदार लग रहा है। ये भी ठीक बात है। एक तो ये चोर मेरे हाथ से निकल गया, उसमें तू यहाँ खड़ा होकर बकवास कर रहा है। किसी भी सुंदर लड़की के ऑपोजिट में खड़े रहने वाला लड़का उसका मंगेतर ही है। ये बात बचपन में ही हमारे अध्यापक ने हमको सिखा दिया था एकदम। इसलिए जब ऐसी सूरत की मूरत को देखा तभी मैं समझ गया ये जिसके पीछे भाग रही है उसका मंगेतर ही होगा। और ये जान लगा कैसे भागी है तो मतलब तो मंगेतर ही है। इतनी सुंदर लड़की को लड़के के पीछे भागना नहीं चाहिए, लड़के को भागना चाहिए पीछे। क्या तुम्हारे बिरादरी के चाचा जी गांव छोड़ने के वक्त ये बोल के गए थे क्या? वो कैसे, इसके साथ रहकर इतनी अक्कल आ गई तुमको? एक तो तेरे वजह से ये चोर निकल गया, उसमें तो मुझे अकड़ दिखा रहा है। हा? देखो उसे ये भगा कर कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ए तुम चलो। अगर ये चोर पकड़ा नहीं गया ना तो मैं तुमको पकड़ूंगी। अगर तुम्हारे लिए ठीक है तो मेरे लिए भी ठीक है। चलो रे। ये लो चाय पी लो। वैसे तुम्हारे मालिक के सामने बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रही थी, अब क्या करने वाली हो? पहले उसकी फोटो निकालो फिर देखते हैं। अरे ये क्या है? देखा, जब पहली बार मिली थी तभी मुझे शक हो गया था कि एक चोर उचक्का है और तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया था। ये प्रूफ है, देखो। वैसे अब तुम क्या करने वाली हो जानू? खत्म कर दूंगी। चैलेंज सुंदरी, ये मेरे लिए एक चैलेंज है। वो कैसे? अरे उसकी कुंडली अब मेरे हाथ में है। कामा जी ये देखो पेपर में क्या छपा है, स्कूल जाने वाले बच्चे को अगवा करके उनके अंक को काट के बेचने वाला देश में क्या हो रहा है दामाद जी? मामा जी क्या बोलते हैं? और क्या है दामाद जी, बच्चों को अगवा करके मार देते हैं? हाँ मामू, छोटे छोटे बच्चे लोगों को अगवा करके उनके शरीर के अंगों के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें बेरहमी से मार देते हैं, खास तौर से इंडिया में और तमिलनाडु केरला आंध्रा में ऐसी घटनाएं जगह जगह पर बढ़ते जा रही है। क्या है दामाद जी, इन लोगों से आगे पीछे कोई सवाल किए बिना उनकी पेंट उतार कर सीधा गोली मार देनी चाहिए। विज्ञान की तरक्की का दुष्परिणाम यह है कि इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। मन कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरा दामाजी, तुम यही ठहरो, मैं जरा बाहर जाकर बच्चों से फोन पर बात करके आता हूँ। अभी आया मैं। हाँ तुम तब तक पेपर पढ़ो। हाँ मैं अभी आता हूँ। स्कूल के बच्चों को अगवा करके उनके अंगों को काट कर धंधा करने वाला गुमशुदा गैंग। ए इधर चाय रखिए। सुनिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये क्या ड्रामा कर रही है ये यहाँ पर? अरे बाप रे माँ कितना चिल्ला रही हो तुम। अरे बाप रे बाप, वैसे भी देश में इतने दंगे हो रहे हैं, ऊपर से घर में तुम दोनों ने दंगा मचा रखा है, तुम दोनों शांत नहीं रह सकती क्या? चिल्लाइए मत, इसने क्या किया आपको पता है? मैंने क्या किया है? और क्या, अपने आप से बात करोगी तो डर नहीं लगेगा? अरे मम्मा मैं एक आइडिया प्लान कर रही थी। तुम्हारे आइडिया में आग लगी। आग लगने से नहीं जलेगी, एक तो बेचारी लड़की कुछ सोच रही है अपने दिमाग से, तुम सोचने भी नहीं देती हो। सुबह सुबह मैं खाना बना देती तुम खा लेते हो और मैं अपने काम में बिजी हो जाती हूँ। क्या मैं कोई मशीन हूँ? जब देखो मैं किचन में पड़ी रहती हूँ। अगर जिम्मेदारी उठाने वाला बाप होता तो अपनी बेटी को पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन करवाता। अरे ये क्या नौकरी का हर वक्त गाना गाती रहती हो तुम। मैंने इसे पुलिस फोर्स ज्वाइन करवा के कोई बलि का बकरा नहीं बनाया है, पुलिस ज्वाइन करने के लिए किस्मत की जरूरत होती है। इधर देखो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, चीटिंग फेलो, इसे ना डिपार्टमेंट बहुत मशक्कत से ढूंढ रही है। इसे मैंने बहुत अच्छे से देखा है, वो यहीं पर है। तो क्यों तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग उसे पकड़ते नहीं है? चीटिंग है ये जानते हैं, लेकिन यही आदमी है ये डिपार्टमेंट को नहीं पता। लेकिन मैं एविडेंस के साथ साथ इसे भी जानती हूँ। तो उसे पकड़ के लॉकर पर डालना चाहिए था ना? अरे वो फरार हो जाएगा ना मम्मा, उसे मुझे खुद धोखा देकर सही वक्त का इस्तेमाल करते हुए
पकड़ना होगा, लेकिन उसे प्लान करके कैसे पकड़ूं ये नहीं समझ में आ रहा। मैं बस वही सोच रही थी। बताओ उस क्रिमिनल की फोटो दिखाओ। देखने से तो ये क्रिमिनल नहीं लग रहा है। ये आप कैसे बोल सकती हो? अरे इसकी आंखें कहानी बोल रही हैं। चीटर्स की आंखें बेटा कुछ अलग ही होती है। इस तरह के लड़के को अगर तुम जैसी लड़कियां देखेंगी ना तो उससे प्यार हो जाएगा और उसमें कोई गलती भी नजर नहीं आएगी। एकदम सुपर जजमेंट है। मुझे तो लगता है उसके साथ तुम इसकी शादी करवा के रहोगी। एक चीटर और पुलिस की कभी शादी हो सकती है? इम्पॉसिबल। पापा। मैडम यहाँ पे साइन कर दो। और एक यहाँ पे। होना चाहिए लेकिन इतना सब्र करने का धीरज मुझ में नहीं है। अरे धीरज रखना चाहिए, सब पे भरोसा करने का, उसे तरस खाकर सबको बुला कर देने का। मुझे तो कुछ तो। तुम चुप रहो, आजकल आप क्या कर रही हो? बाद में साइन ले लेना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी तुम जाओ। इस वजह से मैं दूसरे लोगों से आज भी मैं अलग ही दिख रही हूँ। ये ऐसा ही है, ऐसा एक फैसला ले लिया तो डील करने के लिए आसान रहेगा। अरे वो कहीं भी रहे लेकिन पकड़ में तो नहीं आया ना। ये ही है ब्यूटीफुल आर्ट। तकलीफ उठाकर, मेहनत करके जिंदगी में जो भी बड़ा आदमी बना है उस हर व्यक्ति के पीछे हमेशा एक साथ रहता है। वो साथ रहेगा, संभाल लेगा, उसकी यही लापरवाही खतरे में डाल देती है। मैडम वो लोड जो हमने भेजा था वो डिलीवर हो गया है, फॉरेंस फोन था। गुड, आगे से कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। ठीक है मैम। ये काम में भी दिखना चाहिए। यस मैम। तो फिर वो आईटी मैटर? ऑडिटर ने कहा है कि बात करें। अरे फोन है। ये पकड़ना। दो, बात करो। हाँ मामा, ये फिर से क्यों कॉल कर रहे हैं? अरे बात करो। हाँ बोलिए मामा। हाँ उसे ढूंढ कर निकालो, वो कहीं भी हो। हाँ फोटो तो देखा है लेकिन उस आदमी को मैं यहाँ जाल बिछा कर ढूंढ रही हूँ। वो बहुत शातिर और चालाक है। जल्दी उसे पकड़ लूंगी मामा। ठीक है। हाँ ठीक है मामा। अरे क्या है, क्या बोल रहे हैं तुम्हारे मामा? हैं उसे देखा क्या, यही पूछ रहे हैं। हाँ देखा था, यहीं पर घूम रहा है ऐसा बोल दो। नहीं बोलूंगी मैं, उनको नहीं बताने वाली। क्यों? तुम देखती रहना, अगर मैं उसको जाल बिछाकर नहीं पकड़ पाई और नाक रगड़ने पे मजबूर नहीं की तो आई एम नॉट सब इंस्पेक्टर जॉन। मेरा प्रमोशन, मेरा लक्ष्य अब बस उसे पकड़ना ही है। ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, समझा क्या? इसमें कोई बीच में आया तो ठीक है, तुम्हारे जान के कारण चलेगा, ठीक है, हो जाएगा। मीम साहब आ जाइए। तुमको जो चाहिए ले लो। या पार्टनर। अरे पार्टनर तुम्हारा नाम पूछा तुमने बताया ही नहीं। बोलता हूँ, वक्त आने पर बोलूंगा भी। तू यहाँ क्या कर रहा है? दीदी का ड्राइवर हूँ मैं। हेलो, ओके बाय। क्या बात है गुरु, ओके है क्या? एक हिसाब से ऐसा वैसा इत्यादि बोल के मान लिया। क्या है, अमोल थोड़े दिन बाद ही मिलेगा लगता है। अरे एक हफ्ता होगा, ज्यादा से ज्यादा एक महीना होगा, उससे पहले हम खत्म कर देंगे। मैडम आ रही है ना? हाँ हाँ, फोन किया था ना उसने।
ऑन द वे है। हाँ ओके ओके। सर मैडम आ गई हैं क्या? हाँ ऑन द वे है, आ रही है। सर वो फाइल सब ठीक है ना? एवरीथिंग इज ओके सर। भाई लोग सब आ गए। मैडम आ गई। इतना लेट क्यों? सब लोग आ गए। सॉरी सर, हैवी ट्रैफिक में फंस गई थी, इस वजह से लेट हो गई। इट्स ओके मैडम। नमस्ते बोलो बेटा। नमस्ते। हाय बच्चों। सुनो भाई, बिस्किट लेकर आओ। ये लो, तुम भी। आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ, बिस्किट ले रहा है। आ जाओ बिस्किट मिल रहा है, आ जाओ। अरे लो, अरे आराम से यार। तुम्हारा नाम क्या है? अजय अंकल। अजय है क्या? हाँ अंकल। इधर आओ बच्चों, तुम्हारा नाम क्या? विद्या। ए भगवान, क्या करूं मैं? बाप रे, लफंगे ठीक है। भगवान के बच्चे थे, बच्चे के साथ क्या करें? क्या क्या सपने देखे थे मैंने, भगवान कैसे रहेगी इसकी माँ? क्या क्या सपने देखे थे, क्या करूँ मैं? सर्वनाश होगा उन लोगों का, मेरा गर्व होगा जिसने इस मासूम के साथ ऐसा किया है। सुखी नहीं रहेंगे वो लोग, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। क्या करूँगी मैं भाई, मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है। चलो गाड़ी निकालो। अरे ऐसी हवानियत के साथ कौन करता है बच्चे के साथ? दीदी बोलो। भाई पूछ रहा हूँ, गलत मत समझिएगा, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ भाई समझता हूँ। दीदी आप बच्चों के ऊपर अपनी जान छिड़कती हो, अगर वो इलाज से ठीक नहीं हो रहे तो किसी तांत्रिक से ठीक कर सकते हैं। ऐसा है क्या? हाँ दीदी, भगवान से बढ़कर कौन हो सकता है? ये जो दवाइयों और गोलियों से काम नहीं बनता, वो तांत्रिक से बन सकता है। मेरे सौतेली माँ की बच्ची को एक अजीब सी बीमारी थी, ऐसा कोई इलाज नहीं जो उसके ऊपर ट्राई नहीं किया गया, और इससे कोई फायदा नहीं हुआ। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो किसी ने एक गुरुजी के बारे में बताया और हम उनके पास गए, और चमत्कार से वो ठीक हो गई। अब शादी होकर उसके दो बच्चे भी हैं। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ दीदी, हमारी बच्चियों को उस गुरुजी के पास हमें लेके जाने का एक बार कोशिश करना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा दीदी। ऐसा है क्या? सोचो मत, तुरंत बुला कर लेकर आओ। उन्हें लाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा दीदी। क्यों? उनको सहारा देने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। करीब 10 बच्चों की परवरिश वो उस बस्ती में करते हैं, उन्हें वहाँ अकेला छोड़कर वो आ नहीं सकते साथ में। आप विश्वास रखिए दीदी, इस दुनिया में चमत्कार होते हैं और हम लोगों के साथ भी चमत्कार होगा। स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। दिल आयुष्मान बाबा, बैठिए स्वामी जी, बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए स्वामी जी।
हे भगवान मेरे बच्चे की बीमारी दूर कर दो, इतना ही कहा। सब कुछ ठीक होगा, सारी दुष्शक्तियां निकल जा चुकी हैं, घर पूरा स्वस्थ हो गया है, सब भगवान की कृपा है, चिंता मत कीजिए, अगले 11 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, 12 घंटे तक ये सारी सामग्री ऐसे ही रहने देना। क्या हो गया गुरु? लगता है घर में कुछ प्रॉब्लम है। क्या बोल रहे हैं गुरु? कंटिन्यू दो बार फोन किया हूँ, उठा नहीं रही है, कुछ तो गड़बड़ है। जो लोटे में है उस पानी को सारे घर में छिड़केगा, समझ गई ना? ठीक है तो फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है स्वामी जी, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। जिस घर में मैं पूजा करता हूँ उस घर में हाथ गीला नहीं करता, शास्त्र के विरुद्ध है। आपको खाली हाथ भेजने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है स्वामी जी। आपके हाथों में एक फल को निकाल के इस वस्त्र में डालिए। उस फल को दीजिए। हाँ ये लीजिए। आगे से अच्छा ही होगा, पूरी शक्तियां निकल चुकी हैं। शांति शांति शांति। अरे तो लड़क के चलो शुरू करते हैं। मामू चल जल्दी करो, निकलते हैं यहां से। पकड़ो ये, पकड़ो पकड़ो, सब उठा के निकलना है। सिल्वी, सिल्वी, इस दरवाजा खोलो। लॉक हो गया लगता है। रुको, तुम उस तरफ से जाओ। अभी वो क्या है? गुरु उधर देखो। क्या हुआ? क्या हुआ? बच्चे को ठीक करने के लिए स्वामी जी के रूप में परिहार, प्रीमा, पूजा। शिट, मैं बोलता हूं तो गुस्सा हो जाती हो, थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? बताओ क्या काम कर रही हो? बिना त्योहार के ढोल नहीं बजता है। जिस कार का ब्रेकडाउन हुआ था उसे बनवाना छोड़कर आपने उसके भरोसे उसे छोड़ दिया था। जबरदस्ती से सामने आकर जो बात किया उसको काम पर लगा दिया हो ना, और वो तेरा ही पुंगी बजाकर चला गया। अंडे बोले गुरु, घर के बाहर जाकर देखो। अभी जाकर देखता हूँ। हाँ जी, और जो आए थे वो कौन थे? सब कुछ जानकारी जानकर आए थे वो? नहीं 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 गुरु। क्या हुआ? वहाँ उनका बोरी कपड़ा कुछ भी नहीं है, बस ये लेटर पड़ा है। लेटर दिखाओ इधर। मेरे लिए मेरी नई जिंदगी को जिसने दिया है उस सुविधा के लिए दीदी को मेरा शुक्रिया। इस सब की वजह बनने वाली मल्ली को भी मेरा प्रणाम। आपके भरोसे के नाकाबिल आपका प्यारा भाई। ऐसा क्या उसने सिखा दिया? साथ में रहकर गद्दारी की। बहुत अच्छे से विस्तार से इस घर के बारे में प्लान कर रखा है। पागल लड़की सब बोलती है, पूरा का पूरा लूट कर चले गए। सिर्फ इसके कारण हुआ है, सिर्फ इसके कारण। जो आया था वो कौन है इसका पता चले भी नहीं उसको आप सराहने लग गए, इसीलिए वो आपको नोच कर चला गया, बाबा के रूप में धोखा। जो आए हैं वो कौन थे ये पता नहीं, लेकिन जो आया था उसके सामने सारे राज उगल कर रख दिए। ये लगता है कोई पुलिस वाला है। वही है, उसने अगल बगल देखा कि दीदी इस वक्त अकेली है तो सेंटिमेंटली बात करके दीदी को अपने जाल में फंसा लिया। गुरु अपने मुत्तू को फोन लगाओ।
हाँ बोलो भाई। वो आदमी देखने में बहुत ही तंदुरुस्त दिखेगा। अच्छा वो दाढ़ी के गेटअप में भी हो सकता है अगर तुम्हें ऐसा कोई भी संदेह हो। ठीक है भाई समझ गया। साथ में एक कॉमेडियन भी रहेगा जीप के साथ। ओके भाई। सिंपैथी क्रिएट करने जैसा जिस पर हम शक नहीं कर सकते हैं। उसके साथ एक आदमी भी है। ठीक है भाई आप बिल्कुल चिंता मत करिए जैसा बोला है वैसा कर देंगे। मैं संभाल लूंगा भाई। आप सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हे तू गाड़ी लेके जा उसको उठा मैं यहीं पे हूँ उसको यहीं पे लेके आ जा। ये है क्या इसे ही लोग जाल बिछा के ढूंढ रहे हैं। मालिक और दो लोड आना बाकी है इस लोड को हम बेच देंगे तो हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएगा। हाँ हेलो। हेलो मैं कांस्टेबल तिलाई बात कर रही हूँ। मालिक से बात कर सकते। मालिक से एक मिनट। मालिक कांस्टेबल तिलाई बात देना मुझे। अली जी बोलो बेटी। सर जो स्टेशन में डुप्लीकेट पुलिस आया था ना जहाँ मैं खड़ी हूँ उससे 20 फुट दूरी पे। ऐसा है क्या। जीप लेकर जा रहा है वो। उस पे तुम नजर रखो मैं तुरंत अपने आदमियों को भेजता हूँ। ठीक है सर। ओके अरे इतनी देर से तुम कॉल पे बात कर रही हो अगर पीछे से कॉल वेटिंग आ रहा है तो जवाब नहीं दोगी क्या। अरे सिचुएशन का पता चले बिना ही बोल। खबरदार मैं सामने आ गया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमारे स्टेशन में एक डुप्लीकेट ऑफिसर आया था ऐसा मैं बोली थी ना उसे मैंने मेन रोड पे देखा था। तो क्या बड़ी बात है। सुन तो लो बोलने से पहले जल्दबाजी मत। तुम्हें पता है क्या हमारी बच्ची का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। हमारी बच्ची अब खतरे से बाहर है ऐसा डॉक्टर ने बोला है। अरे सुनो मालिक को फोन करके बताया वो यहाँ खड़ा है। लेकिन याद रखो तुम बहुत बड़ा पाप कर रही हो। क्यों बेवजह मुझे डांट रही हो बोलना क्या चाह रही हो मुझसे। सुनो जिसको तुम फंसाना चाहती हो ना उसी की वजह से हमारी बच्ची को बचाने के लिए 5 लाख रुपए मिले हैं। क्या बहुत गलत काम किया है। गलत क्या गलत। मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ तुम वहाँ से निकल जाओ और मालिक को फोन करके अपने हिसाब से कुछ भी बोल के तुम संभाल लेना। हाँ बोलो बेटी। सर बोलो बेटी। मैं पास जाकर देखी कि वो नहीं था पर दूर से देखने में उसके जैसा लग रहा था। उसके जैसा दिखने की वजह से मैंने गलत बोल दिया। सॉरी सर। पेरुमल उसकी बात में तो कुछ अजीब सा लग रहा है। पहले वो बोली कि वही है अब वो बोल रही है कि वो नहीं है। समथिंग रॉन्ग। वो औरत है वो भी पुलिस है। तुम एक काम करो अपने आदमियों को फोन करके इधर आने के लिए बोलो। ठीक है इस पर भरोसा मत करना हम देख लेंगे। ओके मैम। ए ये तुम क्या बोल रहे हो। नहीं देखा इसे बोल बोल नहीं क्या इसे बोल उधर उधर देखो कुछ लोग उधर जाकर देखो। चलो 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 इसे देखो इसको देखा कहीं। हाँ चलो इसको देखा क्या नहीं 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 देख 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 बोल इसे इसको देखा क्या। चलो 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 जल्दी बैठो। इस केस फाइल को बदलकर एक और बड़ा केस बनाओ। सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। क्या करते हो तुम लोग क्या करता है हमारी ऑपरेशन टीम। टेल मी आई वांट द डिटेल। टेल मी सर। ऊपर से थोड़ा बहुत भी नहीं बहुत ज्यादा प्रेशर है। फोन रिंग बजने से ही कौन क्या कुछ बोलने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। हाइपर टेंशन है सर। सर ये केस कहां से शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है बहुत कंफ्यूजिंग है सर। हम इन्फॉर्मेशन गैदर करके धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रहे हैं सर। इसके टोटल नेटवर्क हेड को पकड़ने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं सर। हम जी जान लगा देंगे सर। एक मौका दे दीजिए सर प्लीज सर ट्रस्ट मी सर। कितने दिन तुम्हें चाहिए। कम ऑन हाउ मेनी डेज यू वांट जेंटलमैन हाउ मेनी डेज टेल मी सर।
सर धीरज रखने से कोई फायदा नहीं है सर, ऐसे तो हम उसे बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे। मिनिस्टर से और कमिश्नर से डेडलाइन फिक्स कर दिया गया है। मिस्टर सेल्वम, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। सर काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। इस केस में हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, ये लिखित रूप में मांग रहे हैं वो। सर ऐसे कितने केसेस, कितने बड़े बड़े केसेस हम लोगों ने साथ मिलकर सॉल्व किए हैं सर। उस गैंग को पकड़ने में हम बहुत करीब हैं सर, आप मदद कीजिए सर प्लीज। अभी पूछो। लुक मिस्टर सेल्वम, बात करने से कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर, अगली बार मौका मिलते ही हम उसे धर दबोचेंगे। कहाँ है हमारा कैप्टन? कैसा चल रहा है तुम्हारा पैसिफिक टैलेंट और तुम्हारा असाइनमेंट? एक नया असाइनमेंट है, इसे देखो। ये है, देखते ही तुरंत चिपक जाने वाला एक मैग्नेट। नहीं हो रहा है क्या? आई मीन उसको पकड़ने के लिए? ये कोई साधारण इंसान नहीं। इस फोटो में दिखने वाला इस मासूम चेहरे पर बिल्कुल मत जाना। इसके देखने के तरीके से, इसके हंसने के तरीके से कोई भी धोखा खा सकता है। अभी भी वो एग्जैक्टली इधर ही है, बट हम में से कोई भी उसे नहीं जानता यार। इसलिए घूम रहा है। क्या बात है, इतना जल्दी क्यों बुलाया? एनी प्रॉब्लम? जानू से मिली थी, वो मेरी फ्रेंड है। आपको बहुत तेजी से ट्रेस आउट कर रही है, जस्ट आपको इन्फॉर्म करना चाहती थी बस। जानू? हु इज जानू? जानू को नहीं जानते हो? आपसे बात किया था ऐसा बोला था। मुझे? हाँ, चाय की दुकान में स्कूल के बच्चे को जब छोड़ने आई थी। I know. She is innocent character. मानना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम मिलने से उसके करैक्टर को एक्चुअली आपने कैलकुलेट कर लिया। देखते ही दिल में पहचान करके रख लेना, जैसा कोई भी कैरेक्टर हो उसे इतना ही जल्दी भूल नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तुमने क्या कहा था? मैं आपको जानती हूँ, बताया नहीं। गुड। अरे जहाँ पंचर करने की जगह है वहाँ लहंगा पहनकर छाती दिखाकर सोए हो, उठो इधर से। अरे तुम ऐसी बातें करते हो जैसे कि मेरी मदद करने के लिए किसी को बुलाना चाहते हो। अरे मैं तेरी बिरादरी का मामा हूँ, क्यों मुझे इतना नीचे करके बात करता है? अरे दामाजी, परेशानी ढूंढ कर हमें ही आ रही है, उठो यहाँ से। अरे बाप रे। अरे उधर देखो कौन बैठा है। ठीक है ठीक है, अभी देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसा है क्या भैया, जरा गाड़ी का पंक्चर देख ले, ये हो जाए उसके बाद करता हूँ। अरे खतरा तुम्हें ढूंढ कर इधर आ गया है अपने आप। तो इधर आ रही है वो, सिर्फ खतरा नहीं बहुत। अरे दामाजी वो खुद तुम्हें लाइन दे रही है, तुम उसे फॉलो करो। हेलो, जरा जल्दी पंक्चर बनाओ। 5 मिनट वेट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपका ही बना रहा हूँ। बाबू लगता है कि आसानी से पड़ जाएगी। हाँ होशियार हो जाओ। क्या बात है मैडम, आपकी गाड़ी भी पंक्चर हो गई? क्यों, मेरी गाड़ी पंचर नहीं हो सकती क्या? मैडम मेरी जीप भी पंचर है, इसलिए पूछा था। एक लवर की तरह बातें ना करके ये क्या पंचर खेल रहे हो तुम दोनों? मामा गाड़ी आपस में पहचान लेती है लेकिन ये नहीं पहचान पा रही है। दामा जी घी सीधी उंगली से नहीं टेढ़ी उंगली से निकलता है, अब ज्यादा मत सोच, दिखा दे अपना जलवा। अब देखो मामू तमाशे को, वैसे लग रहा है सपने कलर कलर में आ रहे हैं। अरे ये क्या है, ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है? ए, क्या बकवास कर रहा है? ए, इसे छोड़ो मत, ये खुद रास्ता क्लियर करके देता है।
हे, इंस्पेक्टर आ रहे हैं। अरे ये क्या, ये फिर से आ गया यहाँ पे। नमस्ते सर। तू यहाँ पे भी आ गया। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डीजल भर रहा हूँ। क्या कर रहा है? डीजल भर रहा हूँ। अच्छा, इधर आ, इधर आ। तुम यहाँ क्या करती हो? सब पंचर। इत्तेफाक देखो, दोनों की गाड़ी एक साथ ही पंचर हो गई। जैसे कि मैंने ही इनकी गाड़ी को पंचर करके यहाँ लाके छोड़ा हुआ है। ए, इधर आ। तैर रहा हूँ। चल तैर के दिखा। अरे यहाँ जमीन में कैसे? ए, जितना बोला उतना कर। तेरे को तैरने के लिए बोला ना मैंने। गड्ढा खोद रहा है तू। नीचे मजाक चल रहा है क्या? अरे खोल कर मारने के लिए बोल रहा है, इसे भी मारने के लिए बोलो ना। करना गिनती भी कर। 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं। ए, तू करता है। ए, तू इधर आ, तेरे से बात करनी है। पंचर बजाने की जगह पे तैरने के लिए बोल रहा है। सर ये तैरना बंद करके चुप खड़े हैं सर। मुझे फंसा रही है, मैं तो जोर जोर से तैरूंगा। लो देख लो, अच्छे से देखो और देखो मजे से देखो। अरे इसके साथ ऐसा क्या बात कर रहे हैं? पता नहीं, मेरा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। यहाँ क्या हो रहा है, कुछ पता है क्या? कुछ जाने बिना खेल रहे हो क्या? प्लीज मेरी बात जरा सुनिए। आपके ऊपर पूरा डिपार्टमेंट गुस्से में है, इसकी वजह से आपने मालिक को धोखा दिया। मालिक को मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन ऊपर से प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बच्चों के शरीर के अंग चुराने वाले आप ही हो, इस वजह से आपके ऊपर केस दर्ज है। यकीन नहीं हो रहा, आपको सीधा इनकाउंटर करने का प्लान किया गया है, इसलिए प्लीज आप ये गांव छोड़कर चले जाइए। बहुत थैंक्स, इस लाइफ में कभी भूलूंगा नहीं। मेरी मदद करने तुम खड़ी हो। एनीवेज बहुत थैंक्स। वैसे मालिक आप क्या सोच रहे हो? नहीं पेरूमल, आज तक हमने ही किसी और को धमकाया है। हमारे पावर को देखकर हमसे ही टक्कर लेता है, वो साधारण आदमी नहीं है। वो मुझसे उम्मीद करता है क्या, या फिर अपनी जिंदगी को बिगाड़ कर रखने वाला है? मालिक आप जैसे इंसान को वो अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। प्लान करके उठाने के लिए वो इतना बड़ा आदमी नहीं है, हम लोग उसे प्लान करके मारे हैं, इतनी बड़ी उसकी औकात नहीं है। देखने से पहले और दोस्ती यारी करने से पहले भी उड़ रहा है, बोले तो किधर न किधर हमारे हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी हो रही है। सब कुछ चला गया है, अगर बाहर पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे गांव में रहकर कुछ नहीं करने का। वो भी करे, तुम शांत रहो। सही है, मिनिस्टर से हम सामने से जाकर मिलेंगे। मैं पैसे लेकर आई हूँ। पांडे बोली भाई, पैसे को गाड़ी में रखो। हाँ भाई, अमाउंट ठीक है ना? ठीक है भाई। ओके। सब ओके है। जानू, तुमसे एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछना। उसे तुम कई बार मिल चुकी हो, पर तुमने अरेस्ट क्यों नहीं किया? वही मुझे समझ नहीं आ रहा। जब वो मुझे देखता है तो मुझे थोड़ी डिस्टरबेंस होती है, लेकिन जब नहीं देखता तो ज्यादा डिस्टरबेंस होती है। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मैं इतनी जल्दी किसी भी फैसले पे नहीं आना चाहती। मैं उसे कभी छोड़ भी दूं
वो मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला, ये मेरा दिल कहता है। बीच रात में सपने में आकर मुझे रोज जगा देता है। सोने का सोचती हूँ तो नींद नहीं आती। इसकी वजह से तो मैं टोटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। मैं ये सब सिर्फ तुमसे कह रही हूँ। आई एम फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट। ऐसा क्या सोच रहा है गुरु? हमारी इज्जत को बचा के रखना है बोले तो, हमारे गुस्से को नफरत को अंदर दबा के रखने का। हर बार मेहनत करके खून खराबा से छुड़ा के रखा हुआ जमीन जायदाद है ये। लेकिन गुरु, जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो आके एक साथ हमारे पूरे धन दौलत को लूटकर फरार हो गया। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं हम। साथ में रहने वाले तुझे इतना कुछ गुस्सा आ रहा है बोले तो, जिसका सब कुछ खो गया हो तो तू बता मुझे कैसा लगेगा? अब अभी उस काम को खत्म कर दिया तो खोया हुआ धन दौलत को हम कैसे भी कमा लेंगे, लेकिन अगर हमने इसे नजरअंदाज कर दिया तो हमें सामने से जाकर जाल बिछाना ही पड़ेगा। आपका मतलब? जब जीने के लिए फैसला कर लिए हैं और सामने वाला आग लगा दिया है तो उस आग की ज्वाला और बढ़ेगी। यहाँ क्यों बुलाया प्रेमा? कुछ तो वजह रही। ये कोई जगह है मिलने की? बाहर लोगों को पता चलेगा तो बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी। तुम समझ नहीं रही हो, लोकल पुलिस वालों से सीबीआई तक केस चला जाएगा। मेहरबानी करके मेरी बात को समझा करो। आप डर रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक दिन जरूर फंस जाएंगे, मुझे ऐसा पक्का लग रहा है। जितना जल्दी हो सके असाइनमेंट को खत्म करके जगह खाली करने के बारे में सोचो। और बाकी कुछ भी हो, पॉलिटिशियंस का दिमाग तो तुम जानती ही हो। तुम्हारा नाम क्या है? विद्या। चलो चलो साइड हटो। सर, आजकल बच्चों को इस तरह अगवा करके उनका खून किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी हम कुछ बोल नहीं तो सकते। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप मुजरिमों के करीब पहुंचे? वो तकरीबन इसमें राजकरण के लोगों का भी हाथ है। इस मामले में आपका क्या कहना ये है? सब एक मनगढ़ंत कहानी है। सर, मुजरिमों को पकड़ के फांसी की सजा सुनाने के लिए लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कानून अपना काम करेगा। सर, इस घटना को अंजाम देने वाला कब पकड़ा जाएगा? बहुत जल्द होगा। सर, आपका जवाब चाहिए। मैं जरूर जवाब दूंगा, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। पहले बॉडी को क्लियर करो, हमारे आने से पहले ये मीडिया के लोग कैसे पहुंच जाते हैं यहाँ पे। जल्दी हटो। अभी जो हम देख रहे हैं ये म्युनिसिपैलिटी का कूड़ा कचरा है। यहाँ तकरीबन 8 बच्चों के शरीर के अंगों को काट के फेंका हुआ है। इस वजह से सिर्फ तमिलनाडु नहीं, पूरे इंडिया में लोग अपने गुस्से को जता रहे हैं। इसके बारे में गणेश से पूछते हैं। ये कंटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। ये अभी नहीं, पिछले 6 महीने से चल रहा है। चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हों, कोई भी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा है। इन बच्चों को अपना बच्चा समझ के अगर हम कोई कदम उठाते हैं तभी जाके कुछ होने वाला है। शुक्रिया गणेश, ऐसे ही हर कोई उम्मीद रखे हुए है। इसका जवाब जल्द से जल्द मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं। स्काई टीवी से कैमरामैन काशी के साथ महालक्ष्मी। अरे ये क्या काम कर रहे हैं आप लोग? गलत काम किस तरीके से करना है ये सिखाने वाले हमको आप हैं।
तो अब आपको क्या हो गया? लगता है उम्र हो गई आपकी। इंसान की उम्र होती है सर, आइडिया की उम्र नहीं होती। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? वो कुछ नहीं है सर, करने वाले धंधे में छोटी सी गलती की वजह से पूरा धंधा चौपट हो जाता है सर। झरने को पता नहीं होता है कि वो नदी में मिलने वाला है। अब देखिए, आप जैसे लोगों के सपोर्ट के वजह से ही हम लोगों की सीट बची हुई है। मुझे लग रहा है कि सीबीआई का बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। इससे अच्छा है कि छोड़ने के लिए बोल रहे हो या निकल कर जाने के लिए बोल रहे हो? ये असाइनमेंट कोई साधारण असाइनमेंट नहीं है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके काले करतूतों की खबर सीबीआई को पहले ही लग चुकी है, इस वजह से मेरी पॉलिटिकल लाइफ भी अफेक्ट हो रही है। जरा संभाल के रहिए, खतरे की घंटी बजने वाली है। जानता हूँ, बजने वाले फोन की घंटी, खतरे की घंटी या किस्मत की, मैं जानता हूँ। मिलने वाला कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप जरा जल्दी कीजिए। ठीक है, मैं ऊपर बात करता हूँ। कुछ अच्छी खबर ही मिलेगी। चलता हूँ। इसको कैसे समझाया जाए? दामाजी, हम दोनों फरार हुए हुए हैं। सब लोग हमें पीछे ढूंढने में लगे हुए हैं। अभी जाना जरूरी है क्या? मामो, तुरंत बोलने से गरम होकर घूम फिर के हमारे फरार होने की बात को लेकर यही सब कर रहे होंगे ना वो सब, और हम लोग यहाँ से एस्केप हो जाएंगे। अना, मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ। वो यहीं पे बैठा हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सुनो, ऐसे ही थोड़ी साइड में खड़े, ठीक है? मैं भाई को वीडियो कॉल दिखा रहा हूँ। भाई, वो तो यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग निकलो वहाँ से। ठीक है, चलेगा अन्ना, आज चलेगा। ए, कहाँ है वो? ए, ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग केस है, और तुम लोगों को यहाँ मजाक सूझ रहा है? आजकल ज्यादातर बच्चों की जाने जा रही हैं। पुलिस वाले अपनी खाकी वर्दी उतारकर साड़ी पहनकर घूमे, ऐसा मीडिया वाले रिपोर्ट में छाप रहे हैं, जो मुंह पे थूकने जैसा है। अगर इस केस को क्लोज करना है ना, तो ये तुम लोगों से ही हो सकता है। पुलिस नहीं, एक गुंडे की तरह सोचो। जाओ। दीदी के पास ही काम करता हूं। देख लिया क्या? अच्छे से देख लो। हेलो बाय। लेकिन हमें एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। लेकिन अब तक 300 से ज्यादा बच्चे गायब हो गए हैं, तुम जानते हो ना? अब तक कितने बच्चे उनके पास बचे हुए हैं इसका हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन हम पता करके रहेंगे। बाकी बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, और इसके बारे में मीडिया में कोई खबर नहीं होनी चाहिए। इस बार हमारे प्लान में चाहे मेरी जान को कुछ भी हो जाए, पर उन बच्चों को मैं बचा कर ही रहूंगा। मेरी जान मेरी साथ के बराबर है।
ये स्कूल चला रही है और ये पहाड़ पर बारूद बम फोड़ रहा है। दामाद जी ने फॉलो करने के लिए बोला था, वो तो ठीक ही है। अरे मिनिस्टर का और इसका क्या संबंध है? मामा, ये नंबर हमें यूज होगा। नंबर है 4545। तूने वो जो फिंगरप्रिंट्स हमें दिया था याद है? ओके। हाँ वही, वो जो हमारे पास था। ठीक है। उससे वो फिंगरप्रिंट्स मैच हो गया। आपको भी अभी शक ही होगा, हमारे लोग ही हम पे भरोसा नहीं करते। या तो पढ़ा लिखा होना चाहिए या अनुभव वाला होना चाहिए, तभी हमें अधिकार होगा इस वर्ग के मासूम लोगों को बचाने का। औरों पे उंगली उठाने से पहले आदमी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। और अगर हम ही अपने समाज की सेवा नहीं करेंगे तो ये लोग दीमक की तरह हमारे समाज को खा जाएंगे सर। ये राजकरण और सरकार के ही लोग हैं। जिन लोगों ने सरकार बनाया है, अगर वही लोग हिफाजत नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा सर? सर, आम लोगों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिल पा रहा है और यहाँ करोड़ों का घोटाला चल रहा है सर। बताइए सर, क्या न्याय है सर? एक दो रईस परिवार को जीने के लिए मासूम लोगों की बलि चढ़ाई जाती है सर। इनकम टैक्स रेट में चाहे कितना भी काला धन क्यों ना निकाल ले, लेकिन मासूम गरीब लोग को रोज कुआ खोद के पानी पीना पड़ता है। गरीब और मजदूरों के परिवारों को कभी सुख नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं सर, ये सारे गुनाह की वजह सिर्फ यही लोग हैं सर। ये हम सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे सर। कानून, फर्ज, रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहे कितने भी आ जाए, लेकिन क्या गरीबों के हालात में कभी कोई भी फर्क आएगा? जब ये समाज खुदगर्जी की सोच में रहता है, इस देश को और इस देश के नागरिकों को कोई भी आकर बचा नहीं सकता है सर। चाहे कितना भी बड़ा परिहार अन्ना, कामराज, कक्कन ऐसे कितने महान नेता है, इन महान नेताओं ने लोगों का उद्धार के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर सिस्टम के करप्शन ने सब खत्म कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं सर, एक दिन ये झगड़ा दंगा में बदल जाएगा। सब एक दूसरे को काटने पे तुल जाएंगे और इन सब को रोकने के लिए सर हमें अपना कदम उठाना ही पड़ेगा सर। कुछ भी हो, उठाना ही पड़ेगा सर। सर, सिर्फ इधर का ही गैंग नहीं है बल्कि इंटरनेशनल गैंग भी इसमें शामिल है। चाइल्ड सेक्सुअल टूरिज्म का जाल बिछाकर भारी मात्रा में यहाँ फॉरेनर्स को भी बुलाया जाता है। बच्चों को अगवा करके उनके आगे परोसा जाता है और अब तो हद हो गई है। बच्चों के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें खुलेआम काले बाजार में बेचा जा रहा है। और इसमें इंटरनेशनल गैंग ही खाली नहीं बल्कि इस देश के करप्ट नेता, करप्ट ऑफिशियल सब शामिल है। सर, अब समय आ गया है सर, इन दरिंदों की दरिंदगी का जवाब दरिंदगी से ही देना होगा। कोई कंप्लेंट, कोई अरेस्ट, कोई केस नहीं। इन लोगों को कुत्तों की तरह भाग के इनका सीधा एनकाउंटर करना चाहिए सर। तुम्हारे जैसे ईमानदार और अपने फर्ज से पीछे नहीं हटने वाला ऑफिसर के रहने तक ये देश की रक्षा बरकरार रहेगी। दोस्त, आगे से हम किसी का इंतजार करके वक्त जाया नहीं करेंगे। इनकी पूरी गैंग को एक साथ उठाकर उनका फैसला तमाम कर देना है। क्या प्लान है तुम्हारा? सोच लिया कंफर्म? एक बार किसी के बारे में सोच लिया, आंखें बंद करके उठाना पड़ेगा। बोला कभी जाल बिछाकर मुझे ढूंढ रहे हुए हैं। अब मैं खुद सामने आकर इन सबको फंसाने वाला हूँ। तुम मुझे फॉलो करते रहना, ओके? ठीक है। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या?
डुप्लीकेट बन के आके सबको उठा कर ले जाने के लिए सोच रहे हो क्या? अब अच्छे से फंस गए हो ना? मुझे पैर में गिर के गिड़गड़ाने वाली कोई मामूली औरत समझ के रखा है क्या? तुझे कब का मार दिया होता, पर मेरे बारे में पता चले बिना तुझे कैसे मारती? तड़प तड़प के हर एक पल में मरते वक्त मेरा चेहरा याद आना चाहिए। हो सकता है तो उन बच्चों को बचा कर दिखा, मैं भी देखती हूँ उन्हें कैसे बचाता है। दे दे, तुम मुझे पकड़ के नहीं लाई, मैं यहाँ वॉलंटरी से आया हूँ तुम और तुम्हारी गैंग के लिए चाल बिछाकर, समझी क्या? आलिया मालिक ने जो दिया था उसी पैसे से रहने वाला 45 नंबर का शुरू हुआ था मेरा अवतार। मैं कौन इसे कोई समझ नहीं पाया, समझी क्या? इस केस में जब तू है मुझे पता चला, मैंने तुझे फॉलो करना शुरू किया था और मुझे पता चला कि तेरी कार नंबर है 4545, तभी से तू लॉक हो गई। तुम्हारी कार ब्रेक डाउन जिस दिन से हुआ उस दिन से तुम्हारे घर में आके तुम्हारा ड्राइवर बन के स्वामी बन के तुम्हारी सारी डिटेल तुम्हारी सारी रिपोर्ट मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, समझी क्या? अभी तक जो तेरा पति बन के जो आदमी तेरे साथ रह रहा था ना, वो गुरु मूर्ति, अब वो हमारी पुलिस कस्टडी में है, अप्रूवर बन गया वो हमारा। दामाजी, मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरी जान में चली जाए तो कोई परवाह नहीं, कैसे भी करके इन बच्चों को बचा लो बच्चों को। तेरे जैसे कीड़े को इस धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं, इस भूमि पे तेरे जैसा पापी फौज है, कानून से बच सकते हो लेकिन मुझसे नहीं, समझा? Ugh!
बच्चे बच गए। कानून की जीत हुई है भाई आज। ए, हमारे मामू कहाँ है भाई?